वेलकम गाइस, ये हमारी दूसरी न्यू एनीमे सोल ईटर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें माय स्टार एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। असल में माय स्टार एकेडमी माय स्टार्स और वेपन्स को ट्रेन करती है। अभी आपको माय स्टार और वेपन्स के बारे में नहीं पता होगा, आगे चल के पता चल जाएगा। हमारा कहानी सुनाने वाला कहते हैं कि डीमन गॉड, जिसने दुनिया को आतंकी गहराई में डुबो डाला और लगभग सब कुछ खत्म हो गया फिर से पैदा होने के लिए। असल में ये सारी बात कोई कहानी सुनाने वाला नहीं, सामने जो बंदा है ये बता रहा था। असल में ये एक सिनिकामी है जो माय स्टार एकेडमी में रहता है। फिर यहीं से सीन कट होता है। एक लड़की गली में चल रही थी, सामने एक खतरनाक सा क्रिएचर होता है जो एक औरत को मार डालता है और उसकी सोल निकाल कर खा जाता है। जो लड़की गली में चल रही थी वो सब कुछ देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे वो क्रिएचर पड़ जाता है और उसे खाने ही वाला था। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। ये हमारी मेन फीमेल गर्ल माका और ये बनता है माका के वेपन, मतलब ये जब चाहे एक वेपन में बदल सकता है। फिलहाल के लिए इसका मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं वेपन कहूंगा। वेपन कहते कि माका उस क्रिएचर को मारने के बाद एक किसी एग मिलेगा, ये आत्मा ही है जो इंसानियत को छोड़ चुकी है। वेपन अपना एक हाथ वेपन में बदल लेता है और पूरी तरह से वेपन में चेंज हो जाता है। माका उस वेपन को पकड़ लेती है और फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। वो मॉन्स्टर दौड़ते हुए आता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। तो गाइस मैं भी आपको बता देता हूँ, मास्टर वो होते हैं जो वेपन्स का यूज करते हैं। इसका मतलब माका है मास्टर और उसके साथ जो है वेपन। माका और क्रिएचर के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चलती है। माका अपना आखिरी अटैक करती है और कहते हैं कि तुम्हें मारने के बाद हमारे पास 99 सोल होगी। उस क्रिएचर को मरने के बाद किसी ने एक बनता है, वेपन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है यानी कि ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और किसी ने एक को खा जाता है। माका कहते कि हमारे पास 99 सोल हो चुकी है, अब बस हमें एक चाहिए। वेपन कहते कि हाँ बिल्कुल, हमें बस एक विच की सोल चाहिए। अगर मैं विच की सोल खा लेता हूँ तब मैं बन जाऊंगा लॉर्ड डेथ का वेपन, डेथ साइट यानी कि वेपन पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। माका कहते कि इस रिपोर्ट को लॉर्ड डेथ को देती है और खिड़की पे एक सिगरेट कोट लिखती है जिससे डायरी को लॉर्ड डेथ से बात कर पाते है। लॉर्ड डेथ वही है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखा था। लॉर्ड डेथ कहते कि माका सब कुछ कैसा चल रहा है। माका कहती कि हमने 99 सोल को कलेक्ट कर लिया है, अब बस एक विच की सोल चाहिए। और तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहते कि सोल ईटर मेरी बेटी माका से दूर रहना। वैसे कहे सोल ईटर वेपन को कहते हैं जैसे माका को मास्टर कहते हैं। माका का डैड एक स्पिरिट है यानी कि पहले से ही टपक चुका है। माका का डैड कहते कि सोल ईटर माका से दूर रहना, एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सोल ईटर कहते कि मुझे छोटी लड़कियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। लेकिन इससे तो माका गुस्सा हो जाती है। माका का डैड उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन माका कहते कि मैं आपको अपना पिता नहीं मानती। इस बात से माका का डैड पूरी तरह से शॉक हो जाता है। लॉर्ड डैड कहते कि जबकि तुम लोगों के पास 99 सोल आ चुकी है यानी कि तुम लोगों को बस एक विच की सोल चाहिए, उसके बाद डेथ शायद बना जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे विच काफी पावरफुल होती है, काफी सारे माय स्टार विच से फाइट करते दौरान ही मारे गए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने कोई भी गलती की तो सारे किसी ने खो जाएंगे और तुम लोगों को सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पीछे माका का डैड बहुत ज्यादा रो रहा था। लॉर्ड डेथ कहते कि यहाँ पर रोना बंद करो और उसके सर पे दी मारता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें विच का अड्डा दिखाया जाता है। वैसे क्या आप लोग सोच रहे होंगे विच है तो इसका मतलब विच कुछ ऐसी दिखती होगी, लेकिन नहीं 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 विच बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती। तो ये रही हमारी विच। वैसे विच कमाल की है, थोड़ी सी अजीब है लेकिन ठीक ठाक है। विच का नाम है ब्लेयर। माका और सोलिटर वहाँ तक पहुँच गए थे। माका कहते कि यहाँ पर रहती है ब्लेयर द विच, फाइनली यहाँ तक हम पहुँच गए। सोलिटर कहते कि मैं इसे मजे से खाना चाहता हूँ। माका कहते कि वो उन लोगों की तरह नहीं है जिन लोगों को हमने निपटाया है, वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। लेकिन सोलिटर दौड़ते हुए जाता है और कहते कि चलो चलते हैं और खिड़की को तोड़कर एक जोरदार लैंडिंग मारता है सीधे ब्लेयर द विच के ऊपर। लेकिन जो भी कहूँगा लैंडिंग बड़ी गजब की है। सोलिटर को वहीं पर नोज ब्लीडिंग होने लगती है। विच कहते कि तुम्हारी नाक से तो खून आ रहा है। माका आकर सोलिटर के मुंह पे एक जोरदार लात मारती है और चिल्लाकर कहते कि तू एक नंबर का स्लीप बंदा है। माका विच से कहते कि परेशानी के लिए माफ करना, तुम अभी यहाँ पर नहा रही हो पर तुम्हारी सोल अब हमारी होगी। सोलिटर एक वेपन में बदल जाओ। विच कहते कि एक लाजवाब शायद। और माका कहती मैं तुम्हारी सोल ले लूंगी, उसके बाद मेरे पास होगा एक अल्टीमेट वेपन और मैं अपने पापा से आगे निकल जाऊंगी। विच कहते कि मुझे ये पसंद आया, तुम्हारा शायद अब मेरा होगा। पर हेलोविन कैन से अटैक कर देती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें मास्टर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। एक बार के अंदर माका का डैड होता है जो दो लड़कियों से मजे से बातें कर रहा था। पहली लड़की कहती कि मिस्टर डेथ शायद आपके पास एक बेटी भी है ना। दूसरी लड़की कहती कि ऐसा मत पूछो। पहली लड़की कहती क्यों। दूसरी लड़की कहती कि तुम देख ही सकती हो मिस्टर डेथ साइड लड़कियों से दूर नहीं रह पाते, हमेशा लड़कियों से चिपकते रहते हैं, इसलिए उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रह पाती और उनका रिश्ता डिवोर्स के कगार पे आ चुका है। इसी वजह से उसकी बेटी ने भी उसे बोल दिया है मैं तुमसे नफरत करती हूँ पापा। वैसे कैसे आप लोग कंफ्यूज ना, इसलिए मैं बता दूँ माका का डैड एक स्पिरिट है। माका का डैड चिल्लाकर कहता है कि माका तुम ऐसा नहीं कर सकती और बाहर जाकर चक्करें लगाने लगता है और अपना मर भरने के बाद पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। माका और सोलिटर एक साथ होते हैं। सोलिटर कहते हैं कि वो मेरी कूलनेस को देखकर मुझे अपना बनाना चाहती है। लेकिन तभी सोलिटर माका को पकड़ता है और वहीं पर झाड़ियों में छुप जाता है क्योंकि सामने से विच आ रही थी।
वेज कहते कि शायद तुम वहाँ पर हो, और जल्दी से जाकर सोल ईटर को अपने संतरों से लगा लेती है। सोल ईटर को वहीं पर नोज ब्लीडिंग होने लगती है। फिर मैं अगला दिन दिखाया जाता है। माका कहते कि मैंने पेपर पर आज की स्ट्रैटेजी लिखी है। सोल ईटर कहते कि कागज के टुकड़े से कुछ भी नहीं होने वाला। माका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते कि फिर बताओ तुम उसे कैसे हराओगे। सोल ईटर कहते कि शायद दिल से हराऊंगा। माका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते कि तुम काफी ज्यादा बुरे हो, हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। आखिर सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और वहाँ पर विच बैठी होती है जो ये सब कुछ देख रही थी और अपने हेलोवीन कैनोन का इस्तेमाल करती है। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर मैं तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। माका विच से लड़ रही थी, विच उस पर बहुत सारे अटैक करती है, पर माका सारे अटैक को डॉज करते हुए एक जगह पर रुकती है और विच कहते कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। माका कहते कि तुम विच के घर में ऐसे ही घुस गए क्योंकि तुम्हें पता था विच टब के अंदर है। और सोल ईटर कहते कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। औरतें ये सारी बातें इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है। और माका कहती कि औरतों के पास एक्सपीरियंस होता है। विच कहते कि वो मेरे प्यारे सेठ, तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और माका कहते कि सोल मेरा पार्टनर है, ये मेरे को कभी भी धोखा नहीं देगा। विच कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें मारकर उस साइड को अपना बना लूंगी। और साथ ही अटैक करने लगती है, लेकिन माका भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। माका एक जोरदार जंप मारती है और पंपकिन को बीच में से काट देती है, लेकिन विच बिल्कुल सही सलामत होती है। विच दोबारा से अटैक करते हुए माका को नीचे गिरा देती है और उठाकर ऊपर फेंक देती है। माका कहती कि सोल हमारा मुकाबला उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन सोल कुछ भी नहीं बोल रहा था। सोल उसी बात को सोचता है जो विच ने कहा था, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। सोल ईटर की विल से स्माइल देता है। फिर सीन चेंज होता है। माका का डैड बहुत ज्यादा खुश होता है। डेथ लॉर्ड कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो, तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा मुसीबत में है, वो विच के साथ फाइट कर रही है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते फाइट को देखने के अलावा। लेकिन जो भी कहो, विच थोड़ी सी अलग लग रही है। माका छत के ऊपर लटकी होती है। माका कहते हैं कि सोल ईटर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। सोल ईटर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और अपने हाथ को छोड़ देता है। माका सीधे कचरे के डिब्बे में पड़ती है। माका गुस्से से कहते कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। सोल ईटर कहते कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं विच का हो चुका हूँ। और विच भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माका का डैड कहते कि ठीक है, तुम माका से दूर हो जा। सोल ईटर कहते कि एक कूल मर्द एक छोटी बच्ची के साथ क्यों रहना पसंद करेगा, वो एक कमाल की बॉडी वाली माल, मेरा मतलब है औरत के साथ रहना पसंद करेगा। माका का डैड कहते कि ये तो सचमुच विच काफी कमाल की है। डेथ लॉर्ड डैड के सर के ऊपर दे मारता है और माका काफी डिप्रेशन में चली जाती है और कहते कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, क्योंकि माका अपने डैड के ऊपर हमेशा नजर रखती थी। उसका डैड हमेशा लड़कियों के साथ गुलछेरे उड़ाया करता था। माका कहते कि सोल ईटर मैंने तुम जैसे किसी पर विश्वास किया था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम सभी को यहाँ पर मर जाना चाहिए। सोल ईटर कहते कुल मर्द भला किसी को धोखा कैसे दे सकता है, सोल ईटर ने ये सब कुछ नाटक किया था। सोल ईटर कहते कि माका जल्दी से अटैक करो। माका अपनी फुल स्पीड में सैज को पकड़कर विच को वहीं पर काट डालती है। विच के मरने से वहां पर एक किसी नेग आता है। सोल ईटर उस एग को पकड़ लेता है और कहते कि ये आखिरी है, अगर इसे मैं खा लूंगा तो मैं डेथ सैज में बदल जाऊंगा। और साथ ही एग को खा लेता है। एग के खाने के बाद सोल ईटर के साथ अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। सोल ईटर कहते कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लगता है कि मैं भी डेथ सैज बनने वाला हूँ, लेकिन आखिरी में कुछ भी नहीं होता है। और वहाँ पर एक बिल्ली आती है, ये बिल्ली विच है, विच का नाम ब्लेयर है। ब्लेयर कहते कि मैंने कभी नहीं कहा था मैं एक विच हूँ, और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, मैं तो बस एक बिल्ली हूँ ताकतवर मैजिकल पावर के साथ। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों ही पूरे शॉक हो जाते हैं। सोल ईटर कहते कि 99 की सिनेक्स एक बिल्ली की आत्मा की वजह से बर्बाद हो चुकी है। सोल ईटर और माका वहाँ से जाने लगते हैं। माका कहते कि हम लोगों को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। माका कहते कि ब्लेयर अभी तक तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारी सोल को तो हमने ले लिया है। और ब्लेयर कहते कि बिल्लियों के पास काफी सारी जिंदगियां होती है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखा है कमेंट सेक्शन में कूल लिख दो, COOL।